हे एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक सुपर हेयर केयर वीडियो लेके। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर ग्रोथ रुक गई है, डैंड्रफ भी हो रहा है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं इस वीडियो में बता दूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक आयुर्वेदिक ऑयल के बारे में बात करूंगी। इस ऑयल में बहुत सारे हर्ब का यूज़ किया गया है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा और जो हेयर फॉल को कम करेगा, साथ में ग्रे हेयर जैसी प्रॉब्लम को कम करेगा। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जो कि विंटर में एक आम बात है, तो सभी को ये ठीक करेगा। मेरे पास ये है एथिका हर्बल से केरा भृंगा हेयर ऑयल। इसमें 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं 10 का दम। इस ऑयल का की इंग्रेडिएंट है ऑथेंटिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि काफ़ी लाइट फील देता है। मतलब इस ऑयल को लगा के आप कहीं गैदरिंग में जाए, आप अगर अपने जॉब पे जाए, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप जा सकते हो। इसकी स्मेल भी काफ़ी लाइट है, आपको एक फ्रेश फील देगी। अगर इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो एथिका का ये जो हर्बल केराभृंगा हेयर ऑयल है, ये पेटेंटेड फार्मूला पे बेस्ड है। आयुर्वेदिक अथॉरिटी एंड हेल्थ अथॉरिटी ने इसे राइट स्वैप करा है, मतलब अप्रूव किया गया है। मुझे ये ऑयल पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आगे मैं आपको इस ऑयल को कैसे यूज़ करना है ये भी अपने बालों पे यूज़ करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ इस ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है और आपको इस ऑयल को क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स देगी ये आपको। सबसे पहला वाला इंग्रेडिएंट है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये हेयर और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगी एंड हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट इसमें है तुलसी, जो हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगी और डैंड्रफ को भी कम करेगी। एंड इसमें है जापा, जो कि फ्रीज को कम करके हेयर को कंडीशनिंग करेगी, ड्राइनेस और ब्रेकेज को रोकेगी। और इसमें है करी लीव्स, जो डैमेज हेयर को ठीक करेगी। नेक्स्ट इसमें है एलोवेरा, जो हेयर को स्ट्रेट बनाएगी और ग्रीसी हेयर को कंट्रोल करेगी। और आमला, ये प्रीमैच्योर ग्रे हेयर को कम करके बालों को स्ट्रॉन्ग एंड ब्लैक बनाती है। भृंगराज, ये हेयर ग्रोथ को एनहेंस करती है हेयर फॉलिकल से। और नेक्स्ट इसमें है मेथी, जो हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करती है और सूथिंग इफेक्ट देती है। और इसमें है गुंजन, जो कि ग्रेनेस को प्रिवेंट करती है और हेयर फॉल को रोकती है। और लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका कर्पूरम, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाती है और हेयर ग्रोथ को इनकरेज करती है, जो कि न्यू बेबी हेयर ग्रो करने में हेल्प करती है। और ये जो क्यूट सा बॉटल आप देख रहे हैं, इसमें 100 ml की ऑयल आपको मिल जाती है। इस ऑयल को यूज़ करने से पहले आपको इसे अच्छे से सेक कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव हो सके। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ ये देखने में कैसा होता है। इसका कलर थोड़ा सा रेडिश आता है, थोड़ा सा वायलेट कलर, बहुत ही वाइब्रेंट है। मेरी एक फ्रेंड है जो इस ऑयल को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है एंड उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके फोरहेड पे न्यू हेयर आने स्टार्ट हो गए हैं और उसका हेयर अभी थिक भी नज़र आ रहा है और हेयर ग्रोथ भी फास्ट हो गया है। और साथ में अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑयल काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। और ख़ासकर इस विंटर के टाइम पे, जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है और डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होती है, तो ये डैंड्रफ कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, ड्राइनेस बिल्कुल भी आने नहीं देता है। जब आप इस ऑयल को यूज़ करेंगे, तब आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए और ऑयल को लगाने के बाद आप अपने हल्के हाथों से मसाज भी करना, तभी आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ऑयल काफ़ी लाइट है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, तो आप अपने पूरे बालों पे भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्रिजीनेस और डैमेज हेयर, स्प्लिटेंस जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसका स्मेल भी उतना बुरा नहीं है, आप इसको लगा के आराम से रह सकते हो। आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो और नेक्स्ट डे भी आप शैम्पू वॉश कर सकते हो। अगर आपको इस ऑयल को परचेस करना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप आराम से परचेस कर सकते हो। ये अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल है। सो ऑयल को यूज़ करने के बाद आप अपने बालों को ऐसे ही मत छोड़ना, इसको एक प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल में रखना। आप बन बना सकते हो, ब्रेड बना सकते हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसे अपने बालों को रखिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हेयर केयर और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।